नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक क्रेडिट कार्ड की पिन को दोस्तों एक्टिवेट या फिर आप बोल सकते हो कि पिन का दोस्तों जो वेरिफिकेशन होता है वो करके दिखाऊंगा ऑनलाइन मोबाइल से, जिसमें दोस्तों आपको ना एटीएम जाना पड़ेगा ना ही बैंक जाना पड़ेगा और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो घर बैठे ही दोस्तों एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ ही मिनट का टाइम लगेगा। दोस्तों आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम लाइव। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ये है मेरे पास कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड ड्रीम 11 वाला। दोस्तों मैं आज आपको इसके दोस्तों जो पिन होती है एटीएम पिन टाइप से जो पिन बनती है वो मैं आपको इस मोबाइल से ही जनरेट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में कोटक महिंद्रा बैंक की जो एप्लीकेशन होती है दोस्तों वो ओपन करनी है। तो मैं ओपन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ आपको इसे ओपन करना है, क्योंकि दोस्तों जो तरीका है वो आपको इसी में मिलेगा। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों नीचे आना है, सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा क्रेडिट कार्ड मेरा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड सर्विस रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंटली जनरेट पिन, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ दोस्तों आपको अपना 6 डिजिट का दोस्तों एम पिन होता है वो डालना है जो आपने कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन में एड किया हुआ है, तो मैं डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए मेरे कार्ड का जो क्रेडिट कार्ड नंबर है वो ऊपर शो हो रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके कार्ड पर दोस्तों जो पीछे इंफॉर्मेशन दी गई है जो पीछे नंबर वगैरह होते हैं दोस्तों कार्ड के ऊपर वो दोस्तों आपको यहाँ फिल करने हैं, जैसे कि आपके कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है दोस्तों वो यहाँ पे फिल करनी है मंथ और ईयर में। यहाँ दोस्तों आपको सीवीवी डालना है आपके कार्ड पर, लास्ट का सीवीवी होता है। और दोस्तों आपको न्यू पिन डालनी है जो आप पिन बनाना चाहते हो, फिर आपको वही पिन द्वारा डालनी है। दोस्तों आपको इसमें एक चीज़ मिलेगी कि आपको इस कोटक के कार्ड में 6 नंबर की पिन डालनी होती है, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मैं दोस्तों सब कुछ डालता हूँ इसमें, अपनी एक्सपायरी डेट डालता हूँ कार्ड की, इसमें सीवीवी डालता हूँ और इसमें दोस्तों पिन डालता हूँ, फिर आपको उसके बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपने कार्ड की सारी डिटेल इसमें डाल दी है। डिटेल डालने के बाद दोस्तों देखिए ये मेरा कार्ड, इसकी जो दोस्तों पीछे डिटेल होती है ये पीछे डिटेल होती है दोस्तों पूरी, ये सब मैंने इसमें डाल दी है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको डन पर क्लिक कर देना है और नीचे दोस्तों देखिए सबमिट रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये देखिए जो मेरा कार्ड नंबर आ रहा है, क्रेडिट कार्ड नंबर जो मेरा नाम आ रहा है और एक्सपायरी डेट 2026। तो दोस्तों आपको कंफर्म कर देना रिक्वेस्ट पे। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि योर रिक्वेस्ट हैज बिन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों मेरा जो रिक्वेस्ट नंबर है वो मुझे यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल चुका है और मेरा कार्ड दोस्तों जनरेट हो चुका है। अब मैं अपने कार्ड दोस्तों कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ना ही मुझे बैंक जाना पड़ा और ना ही दोस्तों किसी एटीएम में जाना पड़ा, मैंने घर बैठे ही अपना कार्ड एक्टिवेट कर लिया। तो आप इसी तरीके से अपने क्रेडिट कार्ड को अपने कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन से एक्टिवेट कर सकते हो, उसका पिन जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।